मनी मेक्स ए मेयर गो, अर्थात दाम करावे काम, पैसे से ही सारा काम होता है। मैं एसके मिश्रा शार्क करियर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो मैंने शब्द लिए हैं वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला मेरा शब्द है डैम्प। डैम्प माने नम या गीला। द टॉवल इज स्टिल डैम्प। तौलिया अब भी गीला है। तौलिया अब भी गीला है। द क्लोथ्स आर स्टिल डैम्प। कपड़े अब भी गीले हैं। द हैंड कर्चीफ इज स्टिल डैम्प। रुमाल अब भी गीला है। किसी के लिए भी कह सकते हैं हम। द वॉल्स आर ब्राउन विद द डैम्प। नमी, नमी के कारण दीवारों में नमी आ जाती है, सीलन आ जाती है। द वॉल्स आर ब्राउन, भूरी हो गई हैं दीवारें विद द डैम्प, सीलन के कारण, नमी के कारण। डैम्पन, इसकी क्रिया है डैम्पन। डैम्प के आगे ईएन अगर लगा दिया जाए तो डैम्पन हो जाता है, यानी गीला करना। रेन डैम्पन्ड माई क्लोथ्स। रेन से, रेन यानी द रेन डैम्पन्ड माई क्लोथ्स। रेन ने, वर्षा ने मेरे कपड़े गीले कर दिए, बारिश ने मेरे कपड़े गीले कर दिए। डैम्पन, गीला करना। इसका दूसरा अर्थ बहुत बढ़िया है, पानी फेरना, हतोत्साहित करना। द रेन डैम्पन्ड माई एंथुजियाज्म। सारे मेरे उत्साह पर बारिश ने पानी फेर दिया। मेरे जाने क्या क्या प्रोग्राम थे, सारे प्रोग्रामों पे पानी फेर दिया। द रेन डैम्पन्ड माई एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म माने जोश। सब पर पानी फेर दिया, हतोत्साहित कर दिया मुझे। अब अगला शब्द लिया है गीले पर ही मैंने, डब्ल्यू टी वेट। वेट माने गीला। हिज शर्ट वॉज वेट विद स्वेट। उसकी शर्ट पसीने के कारण गीली हो गई। हिज शर्ट वॉज वेट, उसकी कमीज गीली थी। विद स्वेट, स्वेट माने पसीना। तो आजकल तो ये होने ही वाला है, अब भी हो रहा है। बाहर जाओ तो काफी गर्मी है, पसीने के कारण कमीज भीग जाती है। हर हेयर इज वेट, उसके बाल गीले हैं। हर हेयर इज वेट, हेयर के साथ इज का प्रयोग होता है। अब देखें अगला शब्द, बल्कि शब्द तो यही है, इसकी तीनों फॉर्म बता रहा हूं मैं। दो प्रकार से इसकी तीनों फॉर्म होती है। सबसे सरल है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म यही होती है, डब्ल्यू टी वेट, तीनों फॉर्म यही होती है। लेकिन यदि आप डब्ल्यू डी लिखा देख लें तो वो गलत नहीं है, ये भी होती है सेकंड थर्ड फॉर्म इसकी। देखें बरसाती, वेट का दूसरा अर्थ बरसाती। इट वॉज ए वेट डे, ये एक बरसात भरा बरसाती दिन था। गीला करना, द बेबी हैज वेट हिज बेड, अर्थात बच्चे ने अपना बिस्तर गीला कर दिया है, अर्थात सूसू कर दी है। द बेबी हैज वेट हिज बेड, बी ई डी बेड, बिस्तर जिसका अर्थ होता है। बारिश, इसका चौथा अर्थ है, डोंट गो आउट इन द वेट, बारिश में बाहर मत जाओ। डोंट गो आउट इन द वेट, बारिश भी इसका अर्थ होता है, और बारिश में बाहर मत जाओ। नीरस, जिसमें रस नहीं आए, ऐसी पिक्चर, क्या बताएं, ऐसा व्यक्ति। ही सीम्स टू बी ए वेट पर्सन, वो बिल्कुल नीरस व्यक्ति लगता है। उसके पास बैठ जाओ, उबाऊ आदमी है, उबाऊ, पूरा बोर। ही सीम्स टू बी ए वेट पर्सन, उबाऊ आदमी है, नीरस आदमी है, रस नहीं आता उसके पास बैठ के। मॉइस्ट, मॉइस्ट अगला शब्द, एम ओ आई एस टी, मॉइस्ट, नम इसका अर्थ होता है। द क्लोथ्स आर स्टिल मॉइस्ट, अभी कपड़े सूखे नहीं है, नम है, गीले हैं। ह्यूमिड, ह्यूमिड माने भी नम होता है, एच यू एम आई डी, ह्यूमिड, नम। द क्लाइमेट इज मॉइस्ट टूडे,
आज मौसम यानी वातावरण जो है वो नम है, नम। शॉपिंग SOPPING शॉपिंग गीले। आई कैन नॉट वेयर शॉपिंग क्लोथ, मैं गीले कपड़े नहीं पहन सकता। तो इस प्रकार से मैंने गीले की अंग्रेजी ली है। अब और देखें, इसके अलावा मैंने इधर लिखी है SOAK सोक। सोक माने भी गीला करना होता है। शी सोक्ड द क्लोथ्स इन सोपी वाटर, उसने कपड़े जो पानी होता है साबुन का उसे सोपी वाटर कहते हैं। सोप माने साबुन, सोपी वाटर साबुन का पानी। शी सोक्ड द क्लोथ्स इन सोपी वाटर, उसने साबुन के पानी में कपड़े गीले कर दिए। सोक्ड भीगा हुआ, तर बतर। देखें सोक्ड माने क्या है, भीगा हुआ, तर बतर। अब देखें रेन सोक्ड माने क्या होता है, बारिश से भीगा हुआ, तर बतर। ब्लड सोक्ड खून से तर बतर, ब्लड सोक्ड, ब्लड माने खून। अब देखें ह्यूमिडिटी, इन सब का अर्थ, ह्यूमिडिटी का अर्थ भी नमी, मॉइस्चर का अर्थ भी नमी, डैम्पनेस का अर्थ भी नमी, ड्यूईनेस इसका अर्थ भी नमी है, चारों का अर्थ नमी है। अब देखें हम अगला शब्द जिसका इसका ठीक उल्टा अर्थ होता है। ये सब अंग्रेजी थी गीले होने की, अब मैं सूखे होने की बताऊंगा। ड्राई माने सूखा। ड्राई के कितने अर्थ हैं आप देखें, ड्राई माने सूखा। द लीव्स आर ड्राई, पत्तियां सूखी हैं। ग्राउंड, जमीन सूखी है। द ग्राउंड इज ड्राई। द क्लोथ्स आर ड्राई, द सॉक्स आर ड्राई। अर्थात जमीन सूखी है, कपड़े सूखे हैं और मौजे जुराब सूखे हैं। अगला इसका अर्थ है नीरस। इट इज ड्राई सीरियल। ड्राई सीरियल का मतलब है ये जो सीरियल आजकल आ रहे हैं ये ड्राई, उसमें से कुछ सीरियल बिल्कुल नीरस होते हैं। इट इज ड्राई सीरियल, ये एक ड्राई सीरियल है, नीरस। ड्राई फिल्म, इट इज ए ड्राई फिल्म, ये नीरस फिल्म है। इट इज ए ड्राई बुक, ये बिल्कुल नीरस किताब है, यानी जिसमें रस नहीं है, मजा नहीं है पढ़ने में, ना देखने में मजा आवे ना पढ़ने में मजा आवे। सुखाना या सूखना, ड्राई का अर्थ होता है। द क्लोथ्स ड्राइड इन द सन क्विकली, कपड़े धूप में जल्दी सूख गए। द क्लोथ्स ड्राइड इन द सन क्विकली, या ऐसे कह सकते हैं द क्लोथ्स ड्राई इन द सन क्विकली, धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ये पास्ट इंडेफिनिट है और ड्राई अगर केवल लिखा जाए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ड्राई योर क्लोथ्स आउटसाइड, जाके बाहर सुखा दो अपने कपड़े, बाहर सुखाओ, यहां जल्दी नहीं सूखेंगे। ड्राई योर क्लोथ्स आउटसाइड, बाहर जाके अपने कपड़े सुखा दो। तो सुखाना और सूखना दोनों अर्थ होते हैं इसके, ड्राई के। अब ड्राई क्लीनिंग किसे कहते हैं देखें, किसी केमिकल से कपड़े धोना बिना पानी के, पानी यूज नहीं होता ड्राई क्लीनिंग में। निर्जल धुलाई करना, किसी केमिकल वगैरह से धुलाई करना। ही ड्राई क्लीन्ड माई क्लोथ्स, उसने मेरे कपड़े ड्राई क्लीन कर दिए। अब देखें ड्राई अप का क्या अर्थ है, सूखना। ऑल द रिवर्स आर ड्राइड अप इन द हीट, गर्मी में सारी नदियां सूख जाती हैं। खत्म होना भी इसका अर्थ है ड्राई अप का। सप्लाई ऑफ बैंडेजेस हैव ड्राइड अप, पट्टियों की सप्लाई बंद हो गई है, खत्म हो गई है। सप्लाई ऑफ बैंडेजेस हैव ड्राइड अप। बात भूलना भी इसकी हिंदी होती है ड्राई अप की। ही ड्राइड अप इन द मिडिल ऑफ हिज स्पीच, वो बोलते बोलते भाषण दे रहे थे नेताजी, बीच में भूल गए। ही ड्राइड अप इन द मिडिल ऑफ हिज स्पीच, भाषण देते देते वह बीच में अपनी बात भूल गया। ही ड्राइड अप इन द मिडिल ऑफ हिज स्पीच, स्पीच माने भाषण,
ड्राइड अप माने भूल गया। अब अगला देखें ड्राउट। ड्राउट शब्द को लिया है मैंने जिसका अर्थ है सूखा पड़ना, अकाल पड़ना। द पॉन्ड्स ड्राइड अप ड्रॉट ड्यू टू ड्रॉट या विद ड्रॉट, इस तरीके से हो सकता है। द पॉन्ड्स माने तालाब, ड्राइड अप विद ड्रॉट, सूखा पड़ने से क्या हुआ, सारे तालाब सूख गए। इसी के साथ साथ मैंने एक और शब्द भी लिया है जो काफी जरूरी था क्योंकि स्पेलिंग का बहुत कम अंतर है, लोग अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। इसमें है ड्राउट का सूखा है, इसकी स्पेलिंग है डी आर ओ यू जी एच टी, लेकिन इसमें जरा सा अंतर है डी आर ए, यानी ओ की जगह ए है, डी आर ए यू जी एच टी। इसका ड्रॉट उच्चारण है शी ड्रैंक द टी इन वन ड्रॉट, वो एक घूंट में पानी पी गई। ड्रॉट का अर्थ है घूंट, वह एक घूंट में पानी पी गई। शी ड्रैंक द टी इन वन ड्रॉट। अब इसको देखें हेयर ड्रायर क्या होता है, बड़ी प्रसिद्ध चीजें हैं आजकल की, बाल सुखाने की मशीन हेयर ड्रायर। स्पेलिंग देख लें ड्राई माउथ, जब मुंह सूख जाता है तो उसे ड्राई माउथ कहते हैं। ड्राई कफ सूखी खांसी, कफ माने खांसी, ड्राई कफ सूखी खांसी। ड्राइड फ्लावर्स सूखे हुए फूल, ड्राइड फ्लावर्स सूखे हुए फल, ड्राइड फ्रूट। तो इस तरीके से हम इसकी अंग्रेजी बनाते हैं। कैसी लगी ये मेरी वीडियो गीले और सूखे पर, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।